जिस प्रकार से लगातार सुनील जी और अथर्व फाउंडेशन देश के कोने कोने में जाकर हमारे सैनिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए काम कर रहे हैं, एक मिसाल है। और ये काम लगातार बढ़ता जा रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल मैं ऐसा मानता हूं कि एक औपचारिकता नहीं है, तो पूरे सेंटिमेंट के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए इसका स्केल भी बड़ा हो रहा है। और हमारे पूर्वोत्तर राज्य तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन पूर्वोत्तर राज्यों में जिस प्रकार से सुनील जी आपने और अथर्व ने कार्य किया है, ये भी काबिले तारीफ है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, आपने जो काम यहां पर किया है। और अभी ये तीन एम्बुलेंस वापिस उन राज्यों में जाएगी, आगे और काम आप करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हम सभी लोग मिलकर इसी प्रकार से अगर हमारे इतिहास के गौरवशाली क्षणों को याद करते रहे और साथ साथ हमारी सेना के पीछे पूरी ताकत से हम खड़े हो, तो निश्चित रूप से हमारा देश एक मजबूत देश के रूप में आज उभर रहा है। आज हम देख सकते हैं कि दुनिया के ताकतवर देशों में हमारा शुमार होता है। और पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से हम लोगों ने हमारे सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स में और अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता लाई है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया का जो एक कार्यक्रम चला, आज एक प्रकार से मिलिट्री पावर के रूप में भारत की ओर देखा जा रहा है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि दुनिया की सबसे अच्छी सेना में भारत की सेना का शुमार आज होता है, ये भी हम सभी के लिए बहुत आनंद की बात है। हमारी सेनाओं का, हमारे सैनिकों का, हमारे सेना नायकों का, सभी का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि आप सभी के पीछे हम लोग भी पूरी ताकत से और अपनी क्षमता के अनुसार खड़े हैं। और मेरा विश्वास है कि सुनील जी इसी प्रकार के कार्यक्रम आप आगे भी करते रहेंगे, और माननीय राज्यपाल जी स्वयं सेना के जो मामले हैं उसमें उनको रुचि भी है, उसमें वो हमेशा सम्मिलित भी होते हैं, उनके परिवार से भी लोग सेना में है। तो मुझे लगता है कि आपने जगह और व्यक्ति भी सही चुना इस कार्यक्रम के लिए, इसलिए आपका अभिनंदन करता हूं, राज्यपाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं।